क्वेश्चन नंबर 312 भी क्लब किया जाता है। श्री सुनील मेघधे जी, जी व्यवस्था दे चुका हूं पहले। 312 क्वेश्चन नंबर अध्यक्ष जी, एक उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि मैं जिस भाग से आता हूं वहां का 44% भूभाग जंगल से व्याप्त है और वहां कोका और नागजीरा ऐसे दो टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट भी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि उसका पर्यटन के तौर से उसका विकास करने के लिए कोई योजना हम लोग कर रहे हैं या कब करने वाले हैं। अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था, वास्तव में एक समय PIDDC एक योजना चलती थी और उसके बंद होने के बाद में ये काम हमने जो राशि रिलीज की थी, बाद में महाराष्ट्र सरकार ने उसको अपना अंशदान देकर उसको पूरा किया है। मैं चाहूँ तो, मगर सदस्य चाहेंगे तो मैं वो डिटेल्स उनको दे सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, राज्य सरकार जब तक प्रस्ताव नहीं भेजेगी हम अपनी तरफ से कोई इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। और जो पिछली परियोजना थी उसको राज्य सरकार ने पूरा किया है, राज्य सरकार से मैंने जानकारी बुलाई है और उन्हें बाकायदा डिटेल्स दिए हैं कि चाहे नवेगांव बांध हो, खम तालाब हो, आकस्मिक बह जितने हुए वो सारे उन्हें पूरे किए हैं। और जो हमारे पास में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आया है उससे भारत सरकार का मंत्रालय सहमत है। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री जी, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि मैंने जब इंफॉर्मेशन निकाली तो अपने महाराष्ट्र के राज्य की ओर से उस संपूर्ण भाग का DPR बनाया जा रहा है और जहाँ तक उन लोगों की वो जो जंगल व्याप्त जो एरिया है और बफर जोन के जो लोग वहाँ रहने वाले हैं उन्हें कोई रोजगार का साधन नहीं होता है, तो ऐसे लोगों के लिए वहाँ पे यदि महाराष्ट्र सरकार अपने कुछ प्रोजेक्ट अपना वहाँ बनाना चाहती है तो माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि उसके लिए कोई निधि उपलब्ध कराई जाए और वहाँ के लोगों को रोजगार, जिससे रोजगार प्राप्त हो। अध्यक्ष जी, हम अधोसंरचना के लिए पैसा देते हैं, इसमें मैंने अपने आपके माध्यम से सदन को बताया है, लेकिन पूरी तरह से अगर वन पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृति ली जाती है, कोई प्रोजेक्ट बनेगा तो वो राज्य सरकार का मामला है। अगर वो बनाकर भेजेंगे, मैं माननीय सर से निवेदन करूंगा तो मैं निश्चित रूप से, क्योंकि मैं उस स्थान को मैंने भी व्यक्तिगत रूप से देखा है, मेरा क्षेत्र है उस बॉर्डर से रहे हैं छिंदवाड़ा और सिवनी, तो मैं गया हूँ। लेकिन मेरी कठिनाई ये है कि राज्य सरकार को प्रस्ताव देना होगा और वो फॉरेस्ट एनवायरमेंट की परमिशन अगर लेते हैं, कोई योजना को स्वीकृति देंगे तो मैं उसमें मदद करूँगा।